एक दिन दो दिन में ऐसी बात सुनाई थी कि मनुष्य यदि विचार करे तो वो अपने को बिना किसी वेदांत की सहायता के दृष्टा और साक्षी के रूप में जान सकता है। अन्नमय कोश में अन्नमय पुरुष जिसकी संज्ञा है, प्राणमय कोष में प्राणमय पुरुष उसी की संज्ञा है, चैतन्य दोनों में एक है, और उसी की मनोमय कोष में मनोमय पुरुष संज्ञा है, उसी की विज्ञानमय कोष में विज्ञानमय पुरुष संज्ञा है, उसी की आनंदमय कोष में आनंदमय पुरुष संज्ञा है, और यदि कोष की विवक्षा न हो तो एक दृष्टा सबका, एक साक्षी सबका। जो हाथ को जानता है वही हाथ के हिलने को जानता है, वही हाथ हिलाने की इच्छा को भी जानता है, और वही हाथ हिलाने वाले को भी जानता है, और वही नारायण हाथ हिलाने का जो सुख दुख है उसको भी जानता है। तो जानने वाला जो है वो दृष्टा है, साक्षी है। इस बात को आप और दूसरे ढंग से भी जान सकते हैं। जो लोग वेदांत का क ख पढ़ते हैं उनको भी इसका संस्कार होगा। जैसे घड़ी को देखने वाला घड़ी से जुदा है, लाउड स्पीकर को देखने वाला मेज को देखने वाला, कुर्सी को देखने वाला, स्त्री पुरुष को देखने वाला जिसको देख रहा है उससे जुदा है, घट का दृष्टा घट से न्यारा है, इसी प्रकार देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और अज्ञान, अभान, तमस, इनको जानने वाला भी इनसे न्यारा है। इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर चाहे जन्मे चाहे मरे, सांस चले चाहे न चले, मन में पूर्णा हो कि न हो, बुद्धि कर्तापन का अभिमान करे कि न करे, मजा आवे कि न आवे, साक्षी तो बिल्कुल साक्षी ही है, उसके साक्षी पने में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। इस बात को दूसरे ढंग से ऐसे समझते हैं, जागृत अवस्था में हम लोग रह रहे हैं तो इसमें कभी शब्द का ज्ञान होता है, कभी स्पर्श का ज्ञान होता है, कभी रूप का ज्ञान होता है, कभी रस का, कभी गंध का, कभी इनकी जातियों का और कभी इनके अभाव का। ये सब अलग अलग होते हैं, जुदा जुदा होते हैं। जो शब्द है तो स्पर्श नहीं, जो स्पर्श है तो शब्द नहीं, जो शब्द स्पर्श है तो रूप नहीं, जो रूप है तो शब्द स्पर्श नहीं, सब अलग अलग होते हैं और इन सब का ज्ञान हमको होता है। तो ये विषय तो न्यारे न्यारे होते हैं और इनका ज्ञान इनसे जुदा होता है। ततो विभक्ता तत्संवित ऐक रूपयात् न भिद्यते,
शब्द स्पर्शादयो वेदिया वैसी क्रिया जागरे पृथक। जागृत अवस्था में अलग अलग शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान होता है, क्योंकि ये सब आपस में विचित्र हैं। अलग अलग ज्ञान होता है क्योंकि ये अलग अलग हैं, परंतु इनका जो ज्ञान है वो एक ही है। जैसे एक रोशनी जल रही है, उसमें एक लड़की दिखती है, एक युवती दिखती है, एक वृद्धा दिखती है, एक लड़का दिखता है, एक जवान दिखता है, एक बूढ़ा दिखता है, एक सफेद मूछ वाला दिखता है, एक काली मूछ वाला दिखता है, एक बिना मूछ वाला दिखता है, लेकिन रोशनी एक है। इसी प्रकार जो ज्ञान है वो एक है, और उसी ज्ञान से जागृत अवस्था में अलग अलग चीजें अलग अलग मालूम पड़ती हैं। तो जिस ज्ञान से अलग अलग चीजें मालूम पड़ती हैं, वो ज्ञान, वो रोशनी, वो प्रकाश, वो संवेद, वो चैतन्य एक है, और संसार के विषय जो हैं वो जुदा जुदा हैं। बहुत मोटी बात है ये, और स्वप्न में भी ऐसे ही होता है। तो बोले तो स्वप्न और जागृत में फर्क क्या है, कि जागृत और स्वप्न में ये फर्क है कि जागृत अवस्था में तो ये मालूम पड़ता है कि जो कल मैंने देखा वही आज देख रहा हूं, जो दो घंटे पहले था सोई अब है, और विषयों में स्थिरता मालूम पड़ती है, परंतु स्वप्न के भान में स्थिरता नहीं मालूम पड़ती है। तथा स्वप्ने प्रवेद्यंतु न स्थिरम जागरे स्थिरम। तो स्वप्नावस्था में भी जितनी वस्तुएं बदलती हैं उनका दृष्टा उनका साक्षी मैं, और जागृत अवस्था में भी जितनी वस्तुएं बदलती हैं उनका दृष्टा उनका साक्षी मैं हूं, उनकी संवेद उनका ज्ञान मैं हूं। और जागृत और स्वप्न दोनों अलग अलग हैं, इसका भी ज्ञान इसकी भी संवेद मैं उनसे जुदा हूं। अब इसके बाद आई सुषुप्ति। बोले सुषुप्ति में तो कुछ नहीं मालूम पड़ता। तो कुछ नहीं मालूम पड़ता सुषुप्ति में, ये जो अब मालूम पड़ता है ये स्मृति है। तो स्मृति जो होती है वो जाने हुए पदार्थ के बारे में ही होती है। सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवेत स्मृति ही साचावबुद्ध विषया अवबुद्धम तत् तदा तमः। तो अहम किंचित नाज्ञासिसम, मैंने कुछ नहीं जाना सुषुप्ति काल में, केवल अंधकार था, न स्वप्न था, न जागृत थी, न वहां स्त्री का पता चला, न पुत्र का पता चला, न शब्द स्पर्श रूप रस गंध का पता चला, किसी का पता वहां नहीं चला। बोले तो किसी का पता नहीं चला, ये पता तुमको कैसे चलता है? तो इसका मतलब हुआ कि उस अज्ञानांधकार से भी न्यारी एक संविद है, उस अज्ञानांधकार से भी न्यारी एक चिद वस्तु है जो वहां रहती है, और जिसके होने से ही इस समय ये स्मरण आता है कि उस समय कुछ नहीं था। अगर चिद वस्तु न होती तो कुछ नहीं था ये भी कहां से मालूम होता? कुछ न मालूम पड़ना ये भी तुम्हारे चित्त की एक अवस्था है कि नहीं है? एक अवस्था है जागृत होना, एक अवस्था है स्वप्न होना, दूसरी अवस्था है सुषुप्ति, तीसरी अवस्था है सुषुप्ति होना, और तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम जो ज्ञान स्वरूप हो, दृष्टा हो, साक्षी हो, वो एक हो। इससे एक बात निकली, जागृत अवस्था के कर्म से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है और विषय से भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तुम उनके साक्षी हो। जागृत अवस्था के वस्तु से, व्यक्ति से, भोग से, कर्म से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वे तो घट के समान दृश्य हैं और तुम दृष्टा के समान उनसे न्यारा हो। और स्वप्न में जो वस्तु है, व्यक्ति है, वासना है, उसके साथ भी तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो तो दृश्य है और तुम उनके दृष्टा हो।
और इसी प्रकार सुषुप्ति कालीन जो अज्ञान है जिसको तुम अपने में आरोप करके जागृत में बोलते हो अहम अज्ञा मैं अज्ञ हूं, असल में सुषुप्ति के बीत जाने के कारण ये भी सिद्ध हो गया कि असल में अज्ञान के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अज्ञान भी सुषुप्ति के समान ही आता और जाता है, रहता है और मिट जाता है, और उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति दृश्य है और तुम दृष्टा हो, और इन तीनों अवस्थाओं में जो भी कर्म है, जो भी भोग है, जो भी वासना है, जो भी स्थिति है, जो भी अज्ञान है, अविवेक है, उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं, तुम उसके दृष्टा। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय से भी तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम उसके दृष्टा हो, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति से भी तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम उसके दृष्टा हो। तो अब तो नारायण आप लोगों की बात तो मैं क्या कहूं, आप पुराने वेदांति हैं। पहले पहल हमको ये बात मालूम पड़ी थी, हमको याद आती है, मैं तो दृष्टा हूं, न जागृत के कर्म से भोग से वासना से मेरा कोई संबंध है, न शरीर के जन्म मरण के साथ हमारा कोई संबंध है, न प्राणगत क्रिया के साथ हमारा भूतप्रयास से कोई संबंध है, न मन की इच्छा अनिच्छा से कोई संबंध है, और न सुषुप्ति के अज्ञान से मेरा कोई संबंध है। मैं तो चिन्मात्र दृष्टा एक रस। ये बात जब हमको मालूम पड़ी तो महात्मा ने बताया कि अच्छा ये बताओ कि तुम चिन्मात्र जब नहीं जानते थे कि मैं चिन्मात्र हूं, और अपने को ब्राह्मण मानते थे, हिंदू मानते थे, मनुष्य मानते थे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाला मानते थे, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोष मानते थे, तो उस समय तुम मुक्त थे कि नहीं थे? समय भी मैं चिन्मात्र ही था और उस समय भी मैं मुक्त ही था, तो तुम्हारी मुक्ति में बाधा क्या थी? बोले हम जानते नहीं थे। अब उन्होंने पूछा कि आखिर तुम जानते क्यों नहीं थे, ये बताओ। वो कौन सी तुम चिन्मात्र हो, संबिन मात्र हो, दृष्टा हो, साक्षी हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, परंतु तुम जानते क्यों नहीं थे? इसका जानना जानना माने अज्ञान। तो अब देखो इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि ये जो मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं चिन्मात्र हूं, मैं संबिन मात्र हूं, ये जो विचार है ना, ये बिल्कुल एकांगी है। अब लोग एक बम बोला ऐसा, ये बिल्कुल एकांगी है, क्योंकि जिससे तुम न्यारे होते चले गए उसको छोड़ते तो गए। जैसे एक सांप तुम्हारे पांव में लिपट गया था, उसको तुमने पांव झटक दिया, फेंक तो दिया, अलग फेंक दिया, क्या नहीं भाई? नहीं, हमारे अब पांव में से सांप फूट गया, हम बिल्कुल अलग हैं, सांप के चंगुल में से छूट गए हैं। छूट तो गए लेकिन सांप जिंदा है कि मर गया? बोले सांप तो अभी जिंदा है। जब जिंदा है तो जैसे पहले वो तुम्हारे पांव में लिपट गया था, वैसे फिर कभी लिपट जाएगा कि नहीं लिपटेगा? बस देखो, यही आजकल जो अशास्त्रीय वेदांत जिसका नाम है उसमें यही त्रुटि है। चार दिन वेदांत का व्याख्यान सुन लिया और बोले कि हम दृष्टा हम साक्षी। अच्छा तुम तो दृष्टा, तुम तो साक्षी, तुम्हारा जन्म मरण नहीं है, तुम वासनावान नहीं, तुम करता नहीं, तुम भोगता नहीं है, तुम बद्ध नहीं, मुक्त हो, लेकिन जिससे तुम अलग हुए हो उसका क्या हुआ ये बताओ, वो अभी है कि नहीं है?
उसका विचार भी करना पड़ता है कि उसका क्या हुआ। तो एक ने कहा कि ऐसा जाने दो, जो हो तो हो, हमसे क्या मतलब है। तो भाई ऐसे जो विचार में आलसी लोग होते हैं उनको वेदांत का ज्ञान नहीं होता है। जो विचार से कतराते हैं, जो आलसी लोग होते हैं उनको वेदांत का ज्ञान नहीं होता। क्यों तुम किसी चीज पर विचार करने से डरते हो? बोले नहीं नहीं वो फाइल मत खोलना। क्यों? बोले उसमें हमारे हार जाने का डर है। तो जिस फाइल के बने रहने से तुम्हारे हार जाने का डर है उसको या तो जलाओ, मटियामेट कर दो, या वो फाइल भी खोल के देख लो कि उससे भी वही नतीजा निकलता है जो पहले से निकला हुआ है। तो नारायण अब देखो कि ये घट पट आदि जो दृश्य हैं वो क्या है, ये मेज क्या है, ये कुर्सी क्या है, ये घड़ी क्या है, ये लाउडस्पीकर क्या है, ये औरत का शरीर क्या है, ये मर्द का शरीर क्या है, इसके लिए पंचभूत का विचार शुरू हुआ हो, है ना? जैसे अपने शरीर में पंचकोश का विचार करके अपने को उससे न्यारे समझ लिया था। एक मामूली बात आपको सुनाते हैं। ये घड़ी बनाई गई, तो जब घड़ी बन गई सामने आई तो इसका नाम घड़ी रख दिया गया। पहले रूप पैदा हुआ, बाद में इसका नाम रखा गया घड़ी। ये बात गलत है। जिसके मन में घड़ी बनाने का संकल्प उदय हुआ कि एक हम ऐसी मशीन बनाएंगे जिस मशीन से टाइम को नापा जा सकेगा, एक सेकेंड, दो सेकेंड, तीन सेकेंड, एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, घंटा, दो घंटा, चार घंटा। जब किसी के मन में ऐसा यंत्र बनाने का संकल्प हुआ तो संकल्प होते ही नाम हो गया, उसका नाम अ हुआ, ब हुआ, स हुआ, परंतु नाम तो उसी समय तैयार हो गया जब अपने मन में लक्षण बना कि हम एक ऐसा यंत्र बनाएंगे जो टाइम को नापेगा, नित्य समय को भी जो नाप लेगा, ऐसा एक हम यंत्र बनाएंगे। अच्छा तो मन में ये बात आई कैसे? ये बात विचार करो। ऐसे कहते हैं कि एक कोई चिड़िया थी तो खेल रही थी, इतने में सामने से देखा एक बिल्ली आ रही है। बोले अरे भाई ये बिल्ली आ रही है हमको पकड़ेगी तो हम क्या करें? बोले आंख बंद करके अपने सिर को बालू में गाड़ दें, तो बिल्ली हमको देखेगी नहीं और हमको पकड़ेगी नहीं। तो आंख बंद करके उसने अपना सिर बालू में गाड़ दिया, बिल्ली आई और धड़ तो दिख ही रही थी उसकी, तो उसने पकड़ के नोच दिया उसको। तो यदि किसी ओर से तुम आंख बंद कर लोगे, वस्तु के बारे में ठीक ठीक विचार नहीं करोगे तो ये काल खा जाएगा। ये कैसे किसी के मन में ये संकल्प आया कि मैं काल को नापूं? तो यदि काल को नापने का संस्कार अंतःकरण में पहले से नहीं होता, एक काल नाम की वस्तु होती है, उसके अवयव होते हैं, उसका विभाग करके हम रात और दिन 24 घंटे करके उसको नाप सकते हैं, ये काल को नापने की कल्पना ही बिना संस्कार के नहीं आ सकती। ये मीटर और ये गज वस्तु को नापने के लिए ये 13, अर्ध 13, पंच 13 और स्थान को नापने के लिए गज और मील,
और नारायण समय को नापने के लिए घंटा मिनट ये बनाने का संकल्प ही नहीं आता मन में यदि इसका संस्कार पहले से मौजूद नहीं होता। तो आप विचार करके देखो, आदि जितने पृथक पृथक पदार्थ हैं वो सब पंचभूत में लीन हो जाते हैं, पंचभूत में बनते हैं और पंचभूत में ही पैदा होते हैं और पंचभूत में ही रहते हैं। इन पंचभूतों में मिट्टी पानी में, पानी आग में, आग हवा में, हवा आकाश में, और आकाश अपने से बड़े मन में, और मन अपने से बड़े अहंकार में, और अहंकार अपने से बड़े महत्तत्व में, और महत्तत्व अपने से बड़ी प्रकृति में, इनका सबका स्थान है। और ये जो प्रकृति है वो अपने बड़े, अपने से बड़े ईश्वर में लीन हो जाती है। और घड़ा, घड़े की जानकारी, कपड़े की जानकारी, मेज की जानकारी, लाडू लाउड स्पीकर की जानकारी, स्त्री पुरुष की जानकारी, जो इंद्रियों से जितनी जानकारी होती है वो सब मन में लीन हो जाती है। मन अपने से बड़ी बुद्धि में लीन हो जाता है, बुद्धि अपने से बड़े, है ना, अपने से बड़े महत्व में लीन हो जाता है। और अहम महत्व जो है वो अज्ञान में, अव्याकृत में लीन हो जाता है, और अव्याकृत के साक्षी आप रह जाते हैं। साक्षी के साथ कार्य कारण भाव नहीं होता। ये बात ध्यान रखने की है, जैसे ईश्वर से प्रकृति, प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्रा, पंचतन मात्रा के सात्विक अंश से देवता, इंद्रिय, मन, और राजस अंश से क्रिया, और तामस अंश से द्रव्य, और द्रव्य में पंचभूत, पंच महाभूत, और पंच महाभूत में ये सारी सृष्टि, जैसा कार्य कारण भाव माया उपाधिक ईश्वर के साथ जुड़ता है, वैसा कार्य कारण भाव अविद्या उपाधिक जीवात्मा के साथ नहीं जुड़ता है। यही तो बात समझने की है। तो कार्य अज्ञान की परंपरा जुदा है और माया की परंपरा जुदा है। मायोपाधिक चैतन्य का नाम ईश्वर है और अविद्योपाधिक चैतन्य का नाम आत्मा है, बोला जीवन। ये केवल दृष्ट, ये बनाता नहीं, देखता है। इसने मिट्टी पानी आग हवा को बनाया नहीं और बिगाड़ा भी नहीं, सिर्फ इनको अपने से न्यारा चैतन्य समझ करके अपने को दृष्टा, अपने को साक्षी अनुभव करने लगा। और ये जो विषय हैं, और ये जो पंचभूत हैं, और ये जो जागृत आदि अवस्था हैं, इनको बनाने वाला जो है ना माया उपाधि ईश्वर, उनमें ये लीन होते हैं। तब मायोपाधिक चैतन्य और अज्ञानोपाधिक चैतन्य, इन दोनों का जब ठीक ठीक विवेक हो गया, इसमें उपासना की बात नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है, ये वेदांत की बात है। क्योंकि तुमने अपने को असल में जब साक्षी जाना तो द्वैत जाना, अद्वैत नहीं जाना। क्योंकि एक तो जिसके तुम साक्षी हो घड़े के, एक तो वो घड़ा है और एक तुम उसके साक्षी हो, एक देह इंद्रियादि है और एक तुम उसके साक्षी हो, एक जागृत स्वप्नादि अवस्था है और एक तुम उसके साक्षी हो, एक अन्नमयादि कोष है और एक तुम उसके साक्षी हो। परंतु जिसके तुम साक्षी हो उसको जब तक मटिया मेट नहीं करोगे, हाँ, तो परमाणु से पैदा हुआ तब भी द्वैत रहेगा, वो चित्त से पैदा हुआ तो भी द्वैत रहेगा,
वो शून्य से पैदा हुआ तो भी द्वैत रहेगा, वो विज्ञान से पैदा हुआ तो भी द्वैत रहेगा, वो नित्य होए तब भी द्वैत रहेगा, है ना। वो पुद्गल आदि के रूप में नित्य होवे, परमाणु आदि के रूप में नित्य होवे, प्रकृति आदि के रूप में नित्य होवे, तब भी द्वैत रहेगा। तो तुमको अद्वैत वेदांत की जो शिक्षा प्राप्त होती है वो बिल्कुल अधूरी रह गई यदि तुमने अपने को केवल दृष्टा अथवा केवल साक्षी मान करके कृतकृत्य कर लिया। पर वो तो एक भावना हो गई, एक भ्रांति हो गई। नारायण, तो करना क्या होता है इसमें कि इतनी बात बुद्धिमानी से मालूम पड़ सकती है। यदि किसी को ठीक ठीक समझाया जाए तो वो समझ जाएगा कि देशवत कालवत आकृति मत जितने पदार्थ हैं, सकल सूरत वाले आकृति मत और नाप जोख वाले देशवत और उम्र वाले कालवत जितने पदार्थ हैं, ये और किसी तरह से नहीं केवल अनंतता की माया ने, अनंतता की माया ने, क्योंकि साक्षी अपने औजार के द्वारा अनंत को नहीं देख सकता, आंख से अनंत को नहीं देख सकता, कान से अनंत को नहीं सुन सकता, त्वचा से अनंत को नहीं छू सकता, जीभ से अनंत को नहीं चख सकता, नाक से अनंत को नहीं सूंघ सकता, मन से अनंत का ध्यान नहीं कर सकता, बुद्धि से अनंत के बारे में विचार नहीं कर सकता। कोई भी औजार इस जीवात्मा के पास ऐसा नहीं है जिसके द्वारा वो ईश्वर की अनंतता को नाप सके अथवा अपनी अनंतता को नाप सके। तो अपनी अनंतता और ईश्वर की अनंतता ये दोनों प्रमाणांतर से सिद्ध नहीं है। जब ये दोनों बात प्रमाणांतर से दूसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं है तब वेदांत एक नई बात बताने के लिए उपस्थित होता है। वेदांत वो चीज बताता है जो किसी भी दूसरे साधन से नहीं मालूम पड़ सकती, ईश्वर किसी भी दूसरे प्रमाण से नहीं मालूम पड़ सकती, ईश्वर किसी भी दूसरी स्थिति से नरभव में नहीं आ सकती। वेदांत बताता है कि ये जो तुम्हारा अनुभव स्वरूप है यही माया की उपाधि से ईश्वर भासता है, यही अज्ञान की उपाधि से चैतन्य भासता है, और अज्ञान और माया इन दोनों की दोनों उपाधियों को यदि अलग कर दिया जाए तो एक अखंड सच्चिदानंद जो है, अद्वितीय सच्चिदानंद घन है, तब उसमें माया और माया का कार्य बाधित है, अज्ञान का कार्य बाधित है। तो जो लोग केवल दृष्टा और दृश्य के विवेक को ही वेदांत मानते हैं, असल में वे तो एक नास्तिकता का जो सिद्धांत है, सांख्य जिसको बोलते हैं, नास्तिक सांख्य उसके अंतर्भुक्त हो जाते हैं। अपनी नासमझी से वे इस बात को समझते नहीं है कि जिसके हम साक्षी हैं वो क्या है, और हम तो हो गए साक्षी। तो ये जो साक्षी है यही परम परम प्रेमास्पद आत्मा भी है, यही ज्ञान स्वरूप है, यही सत्स्वरूप है, क्योंकि इसी के लिए दूसरे से प्रेम होता है। तो ये अखंड भी है और ये ज्ञान स्वरूप भी है, सबका साक्षी, और ये परम प्रेमास्पद भी है। इतनी बात, और इसका जन्म से मरण से सुख से दुख से कर्म से भोग से वासना से स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं है, परंतु इतना ज्ञान होने पर भी तत्त्वमस्यादि महावाक्य जो वस्तु लक्षित कराते हैं वो बिल्कुल दूसरी चीज है। वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारा सत्स्वरूप
कभी न मरने मिटने वाला आत्मा है, ये जो तुम्हारा चित स्वरूप कभी अज्ञान से अभिभूत न होने वाला आत्मा है, ये ही जो तुम्हारा परमानंद स्वरूप दुख से कभी न दबने वाला आक्रांत न होने वाला जो आत्मा है, ये आत्मा ब्रह्म है, ये बात वेदांत बताते हैं। अब प्रश्न ये आया कि भाई इसको वेदांत ब्रह्म बताते हैं तो ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? ये सर्व सर्व और एक एक जो करते हैं नारायण, मैं सर्वात्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, आपको केवल ये संस्कार डालने के लिए कि आप वेदांत की जो पराकाष्ठा है वहां तक पहुंचे बिना बीच में ही अपने को तृप्त अपने को संतुष्ट न मान बैठे, नहीं तो आपके मार्ग में आपकी जिज्ञासा में एक बाधा पड़ गई, एक विघ्न पड़ गया और आप पूर्णता का अनुभव हुए भी नहीं, अपने को पूर्ण मान करके बैठ गए। तो आपकी साधना में, आपकी जिज्ञासा में, आपके विचार में कोई बाधा न पड़े, कोई विघ्न न पड़े, इसलिए हम बारंबार ये बात आपको सुनाते हैं कि यदि आपने अपने को सत्स्वरूप जान लिया तो ज्ञान नहीं हुआ, आपने अपने को चित्त स्वरूप जान लिया तो ज्ञान नहीं हुआ, आपने अपने को आनंद स्वरूप जान लिया तो भी ज्ञान नहीं हुआ, आपने अपने को तीनों सच्चिदानंद स्वरूप जान लिया तो भी ज्ञान नहीं हुआ, आपने अपने को दृष्टा जान लिया तो भी ज्ञान नहीं हुआ, आपने अपने को साक्षी जान लिया तब भी ज्ञान नहीं हुआ। किंतु क्यों? बोले इसी तरह साक्षी अपने अपने को सब लोग साक्षी मानते हैं, जितनी स्त्री हैं, जितने पुरुष हैं, सब अपने को दृष्टा जाने, अपने को साक्षी जाने, लेकिन अपना अलगाव बना रहे। तो परस्पर यदि अलग अलग हैं तब भी साक्षी की अखंडता का ज्ञान नहीं है। हजार आत्मा लाखों आत्माएं मुक्त हैं और अपने अपने को सब के सब साक्षी और दृष्टा जानते मानते हैं तो लाखों का भेद तो बना रहा, अभेद तो हुआ नहीं, तुमको अभेद ज्ञान कहाँ हुआ? बोले सब ऐसे हैं। एक था तो उससे उसको लोगों ने बचपन में वेदांत सिखा दिया बहुत सारा, तो वो कहे कि हमको रोटी चाहिए खाने को, उसे कहो तू ब्रह्म होके रोटी मांगता है? तो कहे कि भूख तो लगती है प्राण को, उसको भूख थोड़ी लगती है कि प्राण को रोटी चाहिए, हमको नहीं चाहिए। अच्छा हमको मिठाई चाहिए, बोले मन को मिठाई चाहिए, हमको नहीं चाहिए, जीव को मिठाई चाहिए, हमको नहीं चाहिए। अरे बाबा मर जाएगा, तो बोले शरीर मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा, मैं तो ब्रह्म हूं। बच्चा था ऐसा रहता उसने। एक दिन विपिन बाबू से एक एडवोकेट हैं दिल्ली में, उनसे भेंट हुई तो माँ बाप ने कह दिया कि आप बच्चे से चाहे वेदांत की जो बात पूछ लीजिए। तो उन्होंने देखा एक रोता हुआ बालक है, बोले देखो रो रहा है, तो उसने कहा ज्ञानी है। बोले तो तू हंस रहा है, कहा मैं ज्ञानी हूं। तो बोले तब एक ज्ञानी आत्मा हुआ, एक अज्ञानी आत्मा हुआ, दो हुए ना? बोले हाँ हुए। तो आत्मा दो हो गए ना, तो तुम्हारे वेदांत ज्ञान का और स्वरूप ही क्या है? जब तुम दूसरे को दुखी, दूसरे को अज्ञानी, दूसरे को जन्म मरण वाला है, दूसरे को जड़, दूसरे को अचेतन, दूसरे को परिवर्तनशील, दूसरे को दुख रूप समझ करके उससे अलग हो गए हो, अलग हो गए हो, तो तुम्हारी अखंडता का बोध कहाँ है तुम्हें? बोले आओ सबसे एक हो जाए, आत्मा में तो अलगाव नहीं है, ये जो प्रतीयमान सृष्टि है वो सब मैं हूं। तो इसी का नाम वेदांत है।
सब होना और एक मैं होना, ये दोनों किसी प्रकार शक्य ही नहीं है। कोई कहे कि मैं सब हूं तो मैं पद का अर्थ दूसरा होगा, वो चैतन्य, और सब पद का अर्थ क्या होगा? नाम रूप जड़ता दिखाई पड़ने वाली। तो मैं सब हूं अगर तुमने जाना तो एक सब जाना एक मैं जाना, और भावना करके दोनों को एक जाना, इसका नाम अद्वैत नहीं है। बोले देखो, सब जिसमें दिख रहा है उसमें नहीं है, और सब जिसको दिख रहा है उसमें भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो अधिष्ठान चैतन्य है, अधिष्ठान चैतन्य जो है वो अद्वितीय है। आपको ये बात मालूम है कि नहीं? क्या कि एक एक तो दो होता है? बोला आपके बारे में ऐसा सोचना कि आपको ये मालूम न हो, बड़ा भारी अन्याय है। एक एक दो होता है और एक बटे भी दो होता है, ये भी तो आपको मालूम है। एक में आधा आधा होता है, दो हिस्से हो सकते हैं, और एक के सौ हिस्से भी हो सकते हैं, और एक के करोड़ हिस्से भी हो सकते हैं, और एक के अरब हिस्से भी हो सकते हैं। अरब हिस्सों वाला जो एक है, एक बटे दो होने वाला जो एक है, उस एक को अखंड नहीं बोलते हैं। ब्रह्म एक नहीं है, आत्मा एक नहीं है, एक तो एक संख्या है, गिनती है, जो एक एक दो हो जाती है, फिर एक 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 तीन हो जाती है, फिर तीन एक होता है, फिर चौथा पांचवा छठा है ना, फिर तीन एक होता है, तो तीन तीन दुना छह और तीन त्रिका नौ। अब देखो, तीन भी एक हो जाता है। जब राशि बनाते हैं तो तीन की भी राशि बनती है, दो की भी राशि बनती है, चार की भी राशि बनती है, और एक में भी एक और एक दुगुना हो जाता है। इसलिए ब्रह्म को एक नहीं बोलते, आत्मा को एक नहीं बोलते। अब आप विचार करके देखो, अब जरा अद्वितीय शब्द पर ध्यान दो। अद्वितीय और अद्वितीय दो होगा कि नहीं? एक अद्वितीय, दो अद्वितीय। दो अद्वितीय कभी हो सकते हैं? दो अद्वितीय नहीं हो सकते। और अद्वितीय बटे दो, अद्वितीय बटे दो भी नहीं हो सकता। सब अद्वितीय जो है ये अखंड वस्तु का बोधक शब्द है, और एक शब्द जो है वो अंशों वाले अवयवों वाले पदार्थ का बोधक है, ईश्वर एक है। जीव अनेक हैं, जगत अनेक है, काल एक है उसके अवयव अनेक हैं, देश एक है उसके अवयव अनेक हैं, कारण एक है उसके अवयव अनेक हैं। कारण अद्वितीय नहीं है, कारण अद्वितीय नहीं है, देश अद्वितीय नहीं है, क्योंकि देश का द्वितीय तो काल है, काल का द्वितीय देश है। देश अद्वितीय नहीं है, काल अद्वितीय नहीं है, कारण द्रव्य अद्वितीय नहीं है, जीव अद्वितीय नहीं है, ईश्वर भी अद्वितीय नहीं है। सब ये जो अज्ञान की उपाधि से, माया की उपाधि से है, जो कार्य कारण का भेद, अविद्या और अविद्या के कार्य का भेद, अविद्या का कार्य केवल मन में रहता है, आप ये ध्यान में रखना। अज्ञान का कार्य केवल मन में होता है, जैसे भ्रांति, संशय, ये क्या है? मोह, ये अविद्या के कार्य हैं, वृत्ति रूप। और माया के जो कार्य हैं वो द्रव्य रूप भी हैं और वृत्ति रूप भी हैं, विक्षेप भी है और आवरण भी है।
और विक्षेप में भी निर्माण भी है और केवल वृत्ति प्रमाण भी है। विक्षेप में प्रमाण भी है और निर्माण भी है। तो वेदांत क्या बताता है? वेदांत का अभिप्राय यह है कि तुम अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म सत्य हो। अद्वितीय का अर्थ है जिसमें कोई पहले और पीछे का अवयव अवयवी भाव न होए, जिसमें दाहिने बाएं भीतर बाहर का अवयवी भाव देश न हो, जिसमें सूक्ष्म और स्थूल अवस्था का अवयव अवयवी भेद रूप द्रव्यत्व कारणत्व न हो, कारण कार्य द्रव्य में पूर्वापर काल में और बाहर भीतर दूर निकट देश में और जिसमें जीव और ईश्वर का भेद, जीव और जगत का भेद, जीव और जीव का भेद, जीव और ईश्वर का भेद, ईश्वर और जगत का भेद, ये किसी भी प्रकार के भेद जिसमें दिखते नहीं है, जिसमें प्रतीत को होते हैं परंतु वास्तविक नहीं है। इसलिए तत्व ज्ञान की दृष्टि से मैं एक हूं, इस समझ को भी मैं अद्वितीय हूं ये समझ काट देती है। मैं सर्व हूं, इस समझ को भी मैं अद्वितीय हूं ये समझ काट देती है। और असल में ये अद्वितीयता का जो ज्ञान है वो समझ को ही काट देता है, और जब समझ को काट देता है तो अद्वितीयता का ज्ञान, ये जो अद्वितीयता और ज्ञान के बीच में जो का पड़ा हुआ है ये भी कट जाता है। तब ज्ञान अद्वितीय है, ज्ञान अखंड है, ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान आत्मा है, ज्ञान परिपूर्ण है। और जो जगत के रूप में, जीव के रूप में, ईश्वर के रूप में जो कुछ भास रहा है वो सब का सब ज्ञान ही है। वो अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। ये इसी से श्रुति जो है वो पहले अध्यारोप करती है और फिर अपवाद करती है, क्योंकि जो वस्तु दो में एक का जहां अध्यारोप किया वहां चार अपने आप ही बन गया। ये तो जो वस्तु गणित की सीमा के भीतर नहीं होती उसको गणित की सीमा में लाने के लिए जैसे अध्यारोप और अपवाद का न्याय लेकर के स्वयं सिद्धियों को स्वीकार करके एक कल्पना करके दूसरी कल्पना से काट काट करके अनंत का जो गणित की सीमा के बाहर है उसका गणित प्राप्त करने के लिए कल्पित गणित से काम लिया जाता है। उसी प्रकार जो इंद्रियों का विषय नहीं है, कौन का अद्वितीय है, क्योंकि इंद्रियां पांच हैं बाहर और ये पांच विषय को जानती हैं, ये अद्वितीय को नहीं जान सकते। और ये विषयों में जो पांचपना है और उनके आधारभूत भूतों में पांचपना है, उनको देखने वाली इंद्रियों में पांचपना है, प्राणों में पांचपना है, अंतःकरण में पांचपना है, ये जो पांच 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 पना है, ये पांच पांच पना जिस एक से दिखाई पड़ते हैं वो एक इनसे न्यारा है। और इन पांच 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 का जो निर्माण करने वाला है, कब वो निर्माण करने वाला भी वास्तव में इनके रूप में बना नहीं है, दूसरी वस्तु से उसने बनाया नहीं है, अपनी माया से ही, अनंतता की माया से ही उसमें ये भास रहा है। जैसे आकाश की अनंतता ही नीलिमा होकर भासती है, जैसे
समुद्र की गहराई ही नीलिमा होकर के भासती है। इसी प्रकार जो तत्व की अनंतता है, अखंडता है, अद्वितीयता है, वो माया होकर भास रही है। ये जो माया का बना हुआ प्रपंच है, ये न दृष्टा में है और न अधिष्ठान में है। और जब ये माया का बना हुआ प्रपंच ही नहीं है, तो अधिष्ठान और दृष्टा का भेद करने वाला कोई भी पदार्थ नहीं है। इसलिए तत्वमस्यादि महावाक्य जो है वो ये बात बताते हैं कि आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है, और इससे अलग न जीव है, न जगत है, न इससे अलग ईश्वर है। ये एक अखंड बोध, यही परम सत्य, यही परम सत्य है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जब आप वेदांत के मार्ग में चलें, तो कहीं भी एक तो विचार से बचने की कोशिश नहीं करें। कोई भी तर्क हो, कोई भी युक्ति हो, कोई भी विवेक हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, केवल हम इससे अलग हैं ये सोच करके, है ना, कहिए तो दूसरे राज्य की बात है, कहिए तो दूसरी पार्टी की बात है, कहिए तो हमारी नहीं हमारे भाई की बात है, है ना, मैं तो अकेला हूं भाई। बोले कि देखो ये जो चोरी चमारी लगी वो तो हमारे भाई को लगी है, मैं तो अकेला हूं, है ना। लेकिन मैं अकेला हूं ये कहना मात्र ही वेदांत नहीं है। असल में जहां भाई भाई का भेद मिट जाता है वहां वेदांत होता है। जहां भाई से हम अलग हो करके अपने को भाई के पाप पुण्य से बचाने की कोशिश करते हैं, है ना, वो अद्वैत ज्ञान नहीं है। कि जो लोग घट पटादी से अपनी पृथकता को जान करके, अपने को उसका दृष्टा जान करके, अपने को ज्ञान मात्र जान करके, जड़ से अपने को अलग समझ करके, जो ऐसा सोचते हैं कि जन्म नहीं है, मरण नहीं है, पहले तो नास्तिक होते हैं अधिकांश, तो वो तो समझते ही नहीं है कि ये सकल सूरत बनने के लिए कोई बीज चाहिए, कोई वासना चाहिए, पहले तो उनकी समझ में यही नहीं आता है। और ये न आने के कारण इस शरीर के पहले भी कोई बीज अंकुर न्याय से प्रपंच था, यही उनकी समझ में नहीं आता है कि नरक है या स्वर्ग है या पुनर्जन्म है, ये भी उनकी समझ में नहीं आता है। आपको आश्चर्य होना चाहिए कि बौद्ध मत में ईश्वर को नहीं मानते हैं और वेद को नहीं मानते हैं, इतने अग्रगामी हैं वो है? लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। जैन मत में ईश्वर को अलग नहीं मानते, केवल अपने तीर्थंकर महापुरुषों को ही मानते हैं, और वेद को भी नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते। लेकिन उनके यहां भी इस शरीर के मूल कारण के रूप में संस्कार, वासना, है ना, और पुनर्जन्म, जन्म के बाद जन्म मानते हैं। तो इतने इतने अग्रगामी लोग इस बात पर विचार करते हैं। और पहली बात तो वेदांत की ओर चले, बोले अरे ये सब नरक स्वर्ग झूठा है, ये वैकुंठ गोलोक झूठा है, वो विश्व के वैचित्र्य को, विश्व के वासना मूलक वैचित्र्य को समझने की ही कोशिश नहीं करते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। और आगे बढ़े तो बोले अजी होता होगा अंतकरण का, सूक्ष्म शरीर का पुनर्जन्मादि होता होगा, मैं तो दृष्टा हूं। अरे बाबा, पहले जैसे दृष्टा अंतकरण के साथ मिलके दुखी हो रहा था, सुखी हो रहा था, जन्म मृत्यु वाला हो रहा था, फिर वो हो जाएगा। तो पहले ये जिसमें सुख है, जिसमें दुख है, जिसमें जन्म है, जिसमें मृत्यु है, उसको मिथ्या जानने की जो कला है, तो उस कला को पहले सीखना पड़ेगा। और वो कला क्या है? जब मायोपाधि के ईश्वर को समझोगे, तभी अपने को दृष्टा समझोगे, तो केवल इनसे अलगाव का ज्ञान होगा। और जब मायोपाधि के ईश्वर को समझोगे, तो इनके मिथ्यात्व का ज्ञान होगा। और इनके मिथ्यात्व का ज्ञान होने पर जीव और ईश्वर को अलग करने वाली कोई वस्तु नहीं होती। ये आत्मा
अनुभव का विषय नहीं है, ये ईश्वर असली ईश्वर अनुभव का विषय नहीं है, असल में अनुभव स्वरूप ही है, अनुभाव्य नहीं है, अनुभव स्वरूप।